हेलो दोस्तों, मोहम्मद ताई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं कि जो हम एंकर की सिलाई लगाते हैं वो किस तरीके से लगाई जाए बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और ये हमारी अमीना बुटीक की एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एंकर सिलाई कैसे लगाई जाती है। तो सबसे पहले देखिए, ये हमने पेपर पेस्टिंग है जो हल्की गर्म प्रेस से चिपका ली है, जिससे कि हमारे गले की शेप दोनों एक बराबर आ जाए, दोनों तरफ की खोलने के बाद एक बराबर एक जैसी आ जाए। अब हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर जितना ब्रॉडर, जैसे हमारा 3 इंच ब्रॉडर, हम एक निशान यहाँ लगा लेंगे और इसको इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ठीक है, ये निशान लगाने का दोस्तों, ये 3 इंच ब्रॉड हो गया आपका। अब आपका गला डीप है जैसे 7.5 इंच, तो आप यहाँ पर 8 इंच पे निशान लगाएंगे तिरछे में। फिर इसको भी यहाँ से दोस्तों इस तरीके से आपको 3 इंच निशान लगाना है, और लगाने के बाद इस निशान को आप इंचीटे की मदद से सीधा कर लें। और जैसे अपने गले को हम बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम हल्का हल्का ऐसे निशान कर लेंगे, जिससे खोलने के बाद हमारे सेंटर का निशान आपको दिखेगा। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ गोल गले की शेप दे दें। तो ये देखिए दोस्तों, हमने गोल गले की शेप दे दी। अब हम इसे कटिंग करेंगे, तो कटिंग मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ऊपर से कटिंग करूँगा। तो हम इसे पहले सीधा कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा गला कट चुका है। अब हमें क्या करना होगा, अपने गले की हम जो ये काटेंगे एक्स्ट्रा में, वो काटेंगे हम दोस्तों यहाँ पर। आप चाहे तो यहाँ एक भी रख सकते हैं, डेढ़ भी रख सकते हैं, ठीक है, आपको अपने हिसाब से रखना है कि आपको कितनी चाहिए। हम यहाँ रखेंगे 1.5 इंच। तो अब यह देखिए, इस तरीके से आपको निशान लगाना है 1.5 इंच का, इस तरीके से पूरे गोलाई में निशान लगा लें। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ 1.5 इंच के नाप से बिल्कुल गोलाई में यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब इसी के ऊपर आप कैंची से कटिंग कर लें। तो ये देखिए दोस्तों, हमने पूरी गोलाई में इसे कटिंग कर लिया है। अब इसे इस तरीके से हम खोल के ओपन कर लेंगे अपने गले को। ये देखिए, ये बिल्कुल दोनों तरफ एक बराबर ये हो गया। और यहाँ पे हमने देखिए दोस्तों, सेंटर में जो निशान लगाया था, ये हमारा निशान भी बड़ी क्लियर नज़र आ रहा है, जिससे हमें पता लगा ये हमारा सेंटर है। क्योंकि चिपकने के बाद आपका सेंटर नहीं बनेगा, इसलिए आप निशान लगा लिया करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद जिस कलर की कमीज़ आप बनाना चाहते हैं या किसी भी कपड़े पर लगाना चाहते हैं, क्योंकि आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एंकर की सिलाई किस तरीके से लगानी है, तो आप अपने हिसाब से जो है आप ले लेंगे कोई भी कपड़ा। तो मैं मैचिंग का ही कपड़ा लूँगा, जिस कलर की कमीज है मैं सेम लूँगा और उसके ऊपर देखिए इसे चिपका लूँगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने चिपका लिया है। अब चलिए मशीन की तरफ, मैं आपको ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना के दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ऊपर से इसे बराबर से कटिंग कर लिया है, और इतना इतना हमने कपड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करा है, जिससे कि हमें पलटने में आसानी हो। अब आप इसे देखिए, अपनी पेस्टिंग के बराबर से आप इसे इस तरीके से रखेंगे और इस पर करेंगे कच्चा, जो कि ये कच्चा हमारी बाद में हम सिलाई को खोलेंगे। तो हम इसे कच्चा कर लेते हैं, गोलाई में पूरे गले को पलट लेते हैं अच्छी तरीके से। तो देखिए दोस्तों, हमने ये पूरा पलट लिया था, और पलटने के बाद मार्जिन कटिंग कर लिया था, और कटिंग करने के बाद हमने क्रीज बना के सेंटर में भी कट लगा लिया है। और साथ ही देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी कच्ची सिलाई में हमने इतनी इतनी गैपिंग पे कट कर लिया है, जिससे कि हम जब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे तो इसे खींच लेंगे और बहुत आसानी के साथ, फिनिशिंग के साथ हमारा ये कच्चा खुल जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, आप अपना जहाँ पर आपको बनाना है, जैसे हम ये बनाएंगे इस पर कमीज़ पर, तो हम यहाँ पर सेंटर में कट लगा लेंगे और इसे इस तरीके से ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद आपको क्या करना होगा, ये हमारा सेंटर वाला हिस्सा है, ये क्रीज आपको दिख रही है, और ये हमारा उल्टी साइड है। ठीक है, हमें उल्टी साइड में इस गले को इस तरीके से सेंटर मिला के सिलाई लगा के जमाना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से लेके, देखिए हमारा कट है, कट के बराबर से बिल्कुल बराबर आ रही है, हम इसे सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई पेस्टिंग पे नहीं चढ़नी चाहिए इतनी, मतलब इस तरीके से लगाना है आपको कि सिलाई इस पे ना चढ़े, और फिनिशिंग के साथ अपने पूरे गले में सिलाई लगा लें, जैसे हम अपने हर गले में सिलाई लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने सिलाई लगा ली है, अब इसे एक पैर के मार्जिन के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आप यहाँ पर गोलाई में इस तरीके से कट लगा लें। उसके बाद आप इसे ऐसे करें
और इस तरीके से जब करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारी फिनिशिंग एक बराबर हो गई। आप इस किनारे पे पूरे पे सिलाई लगा लेंगे, इस तरीके से आपको सिलाई लगानी पूरे किनारे पे, जिससे कि आपका गला ऊपर का फिनिश हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, जब आप इस पे सिलाई लगा लेंगे तो ये हमारा बिल्कुल सेम कलर का है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा उठ रहा है, अब आपको क्या करना है, इसे बहुत ही आराम से इस पे सिलाई लगानी है इस तरीके से, जिससे कि आपका ये उठना बंद हो जाएगा और फिनिशिंग के साथ पूरे गले में सिलाई लगा के आप इसे अटैच कर लें। तो देखिए दोस्तों, ये आप सिलाई लगा लें। इस सिलाई के बाद आपको क्या करना होगा, ये हमारा जो ऊपर का कच्चा है इसे खोल लें, और खोलने के बाद आपको क्या करना आगे मैं बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा एंकर, ठीक है। ये 8 मीटर का हमारा एंकर होता है पूरा, ठीक है, मोटा धागा होता है। और ये 1005 ये हमारा नंबर होता है, कभी भी आप लें तो कंपनी का लें, उसमें क्या होता है 1005 जो नंबर है, अगर मान लो आपका बनाते हुए ख़त्म हो जाता है तो आप 1005 करके आप दोबारा ले सकते हैं, इसलिए आप कंपनी का हमेशा यूज़ करेंगे। और आप इसे देखिए इस तरीके से हटाएंगे, और हटाने के बाद आप इसमें से देखिए इसका सिरा निकालें। ये देखिए आपका ये इस तरीके से सिरा होगा, और लेने के बाद देखिए आपको इस तरीके से ये पूरा खोल लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पूरा इसे सुलझा लिया है। अब आपको क्या करना होगा, आप अपनी बाइबिल लेंगे और बाइबिल में आप इसे इस तरीके से हाथों की मदद से, क्योंकि मोटा धागा होता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं भरा जाएगा, आप हाथ की मदद से इसे इस तरीके से पूरी बाइबिल को भर लेंगे। इसकी 2-4 बाइबिन आप लेके भर लें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये भर चुका है, इसे मैं यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ और इसी तरीके से और भी बाइबिन भरूंगा। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए हम बाइबिन को इस तरीके से भरते हैं, ये अभी हमारा डार्क है, मान लो आप लाइट कलर का कोई भी एंकर भर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी कालक होती है, जब ऊपर आपके धागे के पास आएगी, क्योंकि ये तो लोहे पर चलती है, ठीक है, जब धागे के पास आएगी तो धागे को ये काला कर देगी, जिसकी वजह से आप अगर कोई डिजाइन में बनाएंगे और ये ऊपर आएगा काला तो इसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, हाथों से ही भरेंगे। तो चलिए इसी तरीके से हम 2-4 बाइबिन और भर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप क्या करेंगे, ये देखिए हमारा ये नट होता है डब्बी में, आप इसे इसे इस तरीके से आपको लूज़ करना है। जब आप ये लूज़ करेंगे तो ये आपकी जो ये होगी पत्ती, ये थोड़ी ढीली हो जाती है, फिर आप इसे डब्बी को ऐसे डाल के इसे इस तरीके से देखेंगे, हमारा बिल्कुल अटकना नहीं चाहिए, बिल्कुल देखिए स्मूथ इसी तरीके से निकलना चाहिए, ठीक है। और अगर हल्का सा आपको लगता है तो आप इसे और हल्का कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये बिल्कुल ओके हो गया, अब इसे आप लगा लें। और जैसे हम धागा डालते हैं ऊपर, सेम कलर का आपको धागा डालना है, ठीक है, अगर कोई और कलर का डालेंगे तो उससे फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे एंकर हमारा निकल आया है, अब आपको डायरेक्ट गले पे नहीं चलाना, अब आप पहले कपड़ा लेंगे और कपड़े पे से ट्राई करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट चलाएंगे और मान लो किसी भी तरीके की कमी है, ठीक है, तो आपको दिक्कत देगी। तो आप इसे सीधा चलाएं पहले हल्का सा, चलाने के बाद आप इसे देखेंगे तो ये देखिए हमारे बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से हमारी एंकर ये आ रही है। आप चाहें तो इसको यहाँ से छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, तो इसे हम हल्का सा बड़ा करेंगे, तो ये देखिए यहाँ से हम इसको हल्का सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब इसे हम लगाएंगे अपने गले पे, तो किस तरीके से लगेगा, तो ये देखिए दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूँ और समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। ये हमारी उल्टी साइड है, ये हमारी सीधी साइड है, ठीक है। आप इसे इंची टेप से इस तरीके से नापें तो ये हमारा 1.5 इंच हो गया, ठीक है। अब 1.5 इंच में आप देखें, मैं आपको यहाँ से हटा के दिखाता हूँ, 2 से मान लो 2 से 3.5 के बीच में, ये देखिए जहाँ जहाँ मैं नाखून रखूँगा, एक ये हो गया एक पैर, फिर 3 पे हो गया दूसरा पैर, फिर ये हो गया आपका 2.5 पे तीसरा, 2.5 पे चौथा, ये हो गया पाँचवा, ये हो गया छठा, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 इसमें सिलाई आएंगी, जो कि एक एक पैर की हम सिलाई लगाएंगे एक बराबर। तो आप इसे इस तरीके से ही सिलाई लगाएं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप अपने किनारे पे सिलाई लगा लें जिस पे आपने सिलाई लगाई थी, और ये सिलाई जो आपने सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर लगाएं, ठीक है, जिससे कि आपकी जो सिलाई है वो छुप जाएगी और अच्छी फिनिशिंग के साथ एंकर दिखेगा। तो चलिए हम इसके किनारे पर सिलाई लगा के दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है, और सीधी तरफ हम देखते हैं तो ये देखिए आपकी इस तरीके से फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लग जाएगी। ये देखेंगे आप, बिल्कुल आपको सिलाई पे लगाएंगे तो आपकी इस तरीके से फिनिशिंग से सिलाई लग जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से जो आपकी दूसरी सिलाई से आपने जमाया था, आप इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा ली। हम आपको ये सीधा करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, आपके यहाँ पे जो है दूसरी सिलाई भी लग चुकी है फिनिशिंग के साथ। तो दोस्तों इस तरीके से ये है, आपकी सिलाई लगेंगी। तो सिलाई लगने के बाद आप देखेंगे हमारी दो सिलाई हमने कवर कर ली है। अब हमें पांच सिलाई इसमें और लगानी है, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, बिल्कुल वैसे ही आपको सिलाई लगानी है। अब इसकी जगह आप इंची टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं दो 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 से रखता हूँ 3.5 पे। तो हमारे जो एक पैर की गैपिंग है, आप इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो हम इतनी गैपिंग लेके इस पर सिलाई लगाएंगे एक बराबर से पूरे गले पे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने जो दूसरी सिलाई लगाई उसमें एक पैर की एक बराबर सिलाई कितनी खूबसूरत लग रही है। इसी तरीके से अब आपको क्या करना होगा, आपका जैसे हाथ सेट बैठे, अब जितनी सिलाई आपने यहाँ लगाई है, आप एक सिलाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे या यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मेरा हाथ यहाँ से सेट है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल एक पैर की एक बराबर की। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको पता चल जाएगा एक बराबर सिलाई लगी है, तो दूसरी तरफ भी ऑटोमेटिक आपकी एक बराबर सिलाई दिखेगी। देखिए आपका इस तरीके से कितनी खूबसूरत सी सिलाई दिख रही है। तो आपको अब क्या करना होगा, ये हमने दो सिलाई लगा ली, अब हमें तीन सिलाई की गैपिंग है, तो हम तीन सिलाई और लगा लेंगे, तो हमारा गला कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, मान लीजिए आप एंकर की सिलाई लगा रहे हो, यहाँ पर आपका धागा खत्म हो जाए एंकर का, तो ये सिलाई आपको खोलनी पड़ेगी, फिर दूसरी लगाएं, क्योंकि बीच में जोड़ नहीं लगता इसके अंदर, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस सिलाई को पूरा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो एंकर की सिलाई लगने के बाद इस तरीके से दिखेगी, जो कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अब इसमें मैं आपको एक कमी बताता हूँ, जो मैंने सिलाई लगाई है तो हल्की हल्की आप देखेंगे इस जगह से जो है हल्की हल्की ये टेढ़ी होगी, एक इस जगह से हुई है, ये वाली सिलाई जो है यहाँ से लेके यहाँ तक में फ़र्क है, जिसकी वजह से गला जो है आपको दिखता होगा यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा, मतलब 19-20 दिख रहा होगा। तो एंकर में सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि आपको जो है ये तो हम खोल के ठीक कर लेंगे, आपको बताना चाहूँगा एंकर में सबसे मेन होती है सिलाई की बिल्कुल एक बराबर गैपिंग होना जब आप लगाएंगे। तो मेरा काम है आपको सिखाना कि किस तरीके से आप लगाएंगे। तो ये तरीका है, अगर आप गोल गले पे एक बराबर से ऊपर पलट के लगाते हैं, तो यही एक तरीका है जिससे कि आप एंकर सिलाई लगा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ। और ये देखिए, ये आपकी बैक साइड हो गई, तो बैक साइड में भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपकी गलती हुई है, ठीक है। तो ये देखेंगे आप, यहाँ पे हमारी सिलाई है, हमने यहाँ पे नहीं लगाई थी, जिसकी वजह से वो कमी हुई है। ये देखिए, ये पूरी जगह है यहाँ तक। तो दोस्तों ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और अगर आप कोई भी, जैसे गोल गला हो गया, चौरस गला हो गया, स्वीटहार्ट गला, यानी किसी भी गले में आप बनाना चाहते हैं, तो ये तरीका फॉलो करके आप बिल्कुल सेम, अगर गले के ऊपर आपको सेम उसी गोलाई में लगानी है सिलाई, तो ये तरीका फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से सिलाई लगाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।